चमोली के कांडई पुल पर शराब की दुकान को बंद करने या अनियंत्र शिफ्ट किए जाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय महिलाओं ने जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान महिलाओं ने शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। कहा कि एक तरफ सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ आबादी के बीच शराब की दुकानें खोली जा रही है। उन्होंने गलत असर पड़ेगा और युवा वर्ग तेजी से नशे की गिरफ्त में आएगा। बता दें कि विकासनगर घाट के कांडई पुल के समीप एक सप्ताह पहले आबकारी विभाग ने शराब की दुकान खुलवाने की अनुमति दे दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने मामले में घोर आपत्ति जताई। मंगलवार को शराब की दुकान बंद करवाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने आबकारी विभाग पहुंचकर अपनी मांग रखी। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जगह पर दुकान खोली गई है, इससे उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ेगा। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। है हमारा कांडे पुल लोकल जाते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, खा पी के हमारे बच्चों के साथ कोई गलत न हो। हमारा जंगल का रास्ता है, हमारी बेटी बहू सब उधर ही जंगल का रास्ता है, घास को जाते हैं, गाय जाती है, भैंस जाती है। हमें उनसे कोई अपना जो पैसे उन्होंने उस ठेके पे लगाए वो कहीं बाहर लगाए, वो ठेका कांडे पुल में नहीं होना चाहिए। अगर इस अपने अधिकार की लड़ाई लड़े हम, अगर इसमें हमारे बच्चों को हमको कोई दुश्मनाई कहीं लड़ाई झगड़ा कुछ करेंगे तो इसमें मतलब हम उन हक की लड़ाई है, क्योंकि आज कर रहा ना जो इन्होंने इनको भड़का दिया, वो नहीं आ रहे उनको भड़का दिया, ऐसे नहीं डरा रहे। अभी यहाँ पे वो ऑफिस में अभी अधिकारी भागे थे, हमने इतना जुलूस किया, हम पूरे महिला ने एक आवाज उठाई, हमने कहा चाहे वो आचार संहिता हो चाहे कुछ हो, हमारे भूखे प्यासे बच्चे गाय भैंस खेती बाड़ी रोपाई सब चीजें हमने ऐसे छोड़ रखा है, हम यहाँ पे मर जाएंगे मिट जाएंगे फांसी खाएंगे, हम किसी का गला लेकर हम न्याय और अधिकार की